Hi guys, this video is dedicated to domain specific programs, domain specific courses. COQP 11 and COQP 12 को लेके I already posted the video, planner part. अभी very soon I'll be posting the 30 days planner video, तो वो भी देख लेना, ठीक है. और I'm hoping कि आपकी preparation अच्छी चल रही होगी, ठीक है. mock वगैरह आप दबा के लिखो, 20 mock है आपके COQP 11 and 12 को लेके. ये video में मैं बात करने वाला हूँ psychology को लेके, mass communication को लेके and आपका LLM प्रोग्राम को लेकर के. जितने लोगों ने अभी तक ये डोमेन स्पेसिफिक वाला प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है उनकी बैचेस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीकेंड, थर्ड फोर्थ से आपकी सेशन होना चालू हो जाएंगे, ठीक है. सो जितने लोग डोमेन स्पेसिफिक वाले हो, सिर्फ एक ही कोर्स टारगेट कर रहे हो, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ रिफर किया होगा आपने. बट आपके लेक्चर में एवरीथिंग विल बी देयर, लेक्चर विल बी देयर एंड आपके जो पास्ट ईयर के पेपर आए हुए हैं उसकी एनालिसिस देख के वी हैव मेड सम क्वेश्चन ऑल्सो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आ जाएंगे. और लेक्चर्स के वीडियो पार्ट होंगे, जो लेक्चर्स होंगे लाइव क्लास होंगे उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और मॉक भी आपके पास रहेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज एक्सेप्टिंग सीयूईटी पीजी. ऑलरेडी उनका लास्ट ईयर सीयूईटी पीजी तो हुआ है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. एटलीस्ट पास्ट ईयर के पेपर रेफरेंस के लिए अवेलेबल है. सो दैट इज वॉट द बेस्ट पार्ट. तो सीओक्यूपी 11, सो इतने लोग साइकोलॉजी के लिए हो, एलएलएम के लिए हो या मास कम्युनिकेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए हो, आपके लेक्चर्स ये वीकेंड से चालू होने वाले हैं. तो दोज हु वांट टू जॉइन अस फॉर द बैचेस, ये नंबर पे कॉल कर लो लाइव के लिए, 8828581455. इस नंबर पे यू कैन जॉइन द लाइव क्लासेस, ठीक है. अगर आपने प्रिपरेशन वगैरह कर ली है तो ये बैच लेके थोड़ा और ग्रिल कर लो भाई अच्छे से, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ गैप, कुछ भी मिसिंग ना हो. बाकी तो एग्जाम होगा तो देन विल अंडरस्टैंड बेटर, ओके. सो प्रिपरेशन वाइज वी टॉक अबाउट, तो लेक्चर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दिस मंथ, फैब मंथ, ठीक है. तो अपना एग्जाम वैसे भी 11th मार्च से चालू होने वाला है. सो या इस लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वीडियोज विल बी देयर, तो आप कभी मिस भी कर दिया आपने, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियोज. अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट विल बी देयर, तो बेस्ड ऑन दी योर एंटायर सिलेबस मॉक विल बी देयर, ठीक है, 75 क्वेश्चन को लेकर के. एंड इफ पॉसिबल देन विल गिव द हैंड आउट्स ऑल्सो, थोड़ा बहुत थियरी पार्ट और कुछ क्वेश्चन और ऐड करके. सो इतना पॉसिबल होगा, आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है. इतना अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट ठीक ठाक पढ़ाई अपनी हो जाएगी सीयूईटी पीजी को लेकर के. सो डोमेन स्पेसिफिक के साथ अगर आपका सीओक्यूपी 11 12 वो कोर्स में भी आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है. एटली दो से तीन कोर्सेज के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो और अच्छी बात है. बट अगर आप एक ही कोर्स के लिए जा रहे हो तो भाई थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर लेके फिर अगेन स्टेज टू तो है ही. इसमें स्टेज वन निकाली लोगे आप, स्टेज टू में जो उनका फिल्ट्रेशन है, जो एक्सटेम्पर ऑनलाइन असेसमेंट का जो पार्ट है, एक्सटेम्पर एंड द इंटरव्यू पार्ट, तो वहाँ पे हमें अच्छा करना पड़ेगा. उसके लिए भी वेरी सून विल बी लॉन्चिंग द बैच. जितने लोग लाइव या क्लासरूम वाले बच्चे मेन्यूर के, अगर आपने स्टेज वन निकाल लिया तो उसकी प्रिपरेशन बाय डिफॉल्ट आपकी हो जाएगी. तो उसके लिए अपने को टेंशन नहीं लेना. अभी के लिए टारगेट है स्टेज वन निकालना. सो प्रिपेयर वेल एंड या सो एजेंडा ऑफ दिस वीडियो जस्ट टू इन्फॉर्म यू पीपल कि बैच चालू हो रही है. तो एनी ऑफ योर फ्रेंड लेटर दोज हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द साइकोलॉजी मास कम्युनिकेशन एलएलएम, दे कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है. प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.